तो उत्तराखंड उत्सव में हम जो है इसे पहुंच चुके हैं मुंबई की धरती जो उत्तराखंडी रंग में रंग चुकी है। आप मेरे साथ देख सकते हैं पूरा स्टेज है, मंच सजा है, पूरे उत्तराखंडी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और आपके मन में विचार यही आ रहा होगा कि आखिरकार ये सोच किस व्यक्ति की रही होगी, किसने सोचा होगा कि मुंबई की धरती में ऐसा कुछ कार्यक्रम रखा जाए जिससे उत्तराखंड के लोग एकजुट हों और साथ के साथ सब नाचे झूमे, उत्तराखंड की संस्कृति जो है मुंबई के अंदर दिखे। तो मेरे साथ हैं यूओपे के अध्यक्ष राजेश नेगी जी। राजेश नेगी जी, स्वागत आपका हिमालय न्यूज़ में। नमस्कार। यूएफओ यानी कि उत्तरांचल फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उत्तराखंड के लोगों से बना है और उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो राजेश नेगी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तराखंड उत्सव जो है क्यों मनाया जा रहा है, क्या कारण है कि मुंबई में आज उत्तराखंड उत्सव मनाया जा रहा है? और राजेश भाई का, राजेश का उत्तराखंड उनकी सारी टीम बनाने जो जिसने इतना भव्य और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है कि हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको है उत्तराखंड बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सुंदर शुभ रहा है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, पूरी भारत को, पूरे भारत और पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं। और मुंबई से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक राजधानी है हमारी भारत की, और मुंबई के द्वारा हम समस्त भारतवासियों और समस्त विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति क्या है, उसकी कला क्या है, इसलिए उत्तराखंड। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ महिलाएं काफ़ी झूम रही हैं, काफ़ी संगीतमय वातावरण हो चुका है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठ रहे हैं कि कौथिक और उत्तराखंड उत्सव दोनों की डेटे एक समान तरीके से आ गई, तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि आपको डेटे दोनों को मतलब उसमें सामंजस्य आप बिठा नहीं पाए? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा उत्तराखंड उत्सव की तैयारी तो मेरे ख्याल से 6 महीने पहले से चल रही है। और कौथिक वाले भी हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे, उनका 10 दिन का प्रोग्राम है। अब वो ये ऐसा हुआ है कि ये प्रोग्राम मुंबई में हो रहा है और नवी मुंबई में हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई क्लैश की बात है, क्योंकि मुंबई में मुंबई नवी मुंबई मिला के 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोगों में आप समझ लीजिए हम चाह कितना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक 10,000 पब्लिक यहाँ आ जाए, 10,000 पब्लिक वहाँ आ जाए, 20,000 पब्लिक को हम चाह रहे हैं कि 20,000 पब्लिक क्या, हम तो चाहते हैं कि ऐसे हम ऐसे 4-10 और प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम पूरी की पूरी 10 लाख जो हमारी जो कौम है हम सभी लोगों को, हम चाहेंगे कि ये थाना में भी हो, ये वर्ली साइड में भी हो, साउथ मुंबई साइड में भी हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा तो विचार ये है कि हमारे जितने ज़्यादा हम लोगों को जितनी ज़्यादा जगह हम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारी तरफ से हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ कर आएँ, तो लोगों को बताएँ कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति क्या है। और हमारे भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई में, हम लोग ने भी पहल की है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आप सब सभी जानते हैं कि मुंबई महानगर में काफ़ी बड़ी संख्या में उत्तराखंडी आ रहता है, तो यहाँ से वहाँ जाने का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, समझ लीजिए मुंबई और नवी मुंबई का फासला ही काफ़ी लंबा है, 1.5-2 घंटे का फासला। तो नेगी जी, ये जानना चाहूँगा अब आगे का प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि उत्सवों का ये रंग है और रंग जो है वो अभी कम नहीं हुआ है, लगातार पब्लिक भी चाह रही है, डिमांड भी कर रही है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आपसे जानना चाहूँगा अब आगे की उसमें क्या जो है रणनीति हो आपकी, होगी अगला जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा? अगला प्रोग्राम तो ये है कि अभी तो आज तो दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, कल 22 तारीख है, तो कल हमारे आपने अभी आज देखा होगा हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने परफॉर्म किया, मीना राणा जी ने परफॉर्म किया, आज समस्त मुंबई झूम रहा था। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ उत्तराखंडी थे, यहाँ पे महाराष्ट्र भी आए हुए थे, गुजराती लोग भी आए हुए थे। जैसा कि हमारा जो उत्तराखंड उत्सव मनाने का जो मेन ध्येय था वो ये था कि हम हमारी गंगा जी जो उत्तराखंड की धरोहर है, जहाँ की आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने गंगा जी की स्थापना की हुई, तो चारों धाम उत्तराखंड की वो भी हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। तो गंगा जी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, वो समस्त भारतवासियों की, समस्त वर्ल्ड की है, तो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो की धरती से गंगा जी का आगमन हुआ है, चाह रहे हैं कि लोग भी जाने कि उत्तराखंड की धरती में की धरती कितनी पावन है। तो हम हमारा एक प्रयास है कि हम सभी लोगों को जोड़े, सिर्फ उत्तराखंड ही हम तो समझ चाहते हैं कि हम सारे यूपी के भी लोग हों, बिहार के भी लोग हों, सारे लोग हों, साउथ इंडियन सारे के सारे लोग और हमारी संस्कृति का लोग। तो ये थे मेरे साथ राजेश नेगी जी जो यूएफओ के अध्यक्ष हैं और
जिनकी पूरी यह सोच रही उत्तराखंड उत्सव की और इनके प्रयासों से ही मुंबई में जो है आज ये उत्तराखंड उत्सव हुआ। अकेला तो कोई भी आदमी कुछ नहीं करता है, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि मैंने अकेले ही किया है, जिसके पीछे पूरी की पूरी टीम है। टीम UFO बोलते हैं, UFO यानी कि उत्तरांचल फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे साथ में मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ में श्वेता माशीवाल जी हैं। श्वेता माशीवाल हैं जो सचिव है। उसके बाद प्रदीप रावत जी हैं, उसके बाद हमारे साथ में कमल बिलाल जी हैं, प्रदीप रावत जी हैं, उसके बाद नीलचंद जी हैं, शंकर सिंह रावत जी हैं, हयात भाई हैं, तो समस्त भाईंदर के लोग, समस्त भुवेश्वरी अंधेरी वासी, समस्त कला महिला मंडलाएँ, सारे के सारे लोग, धर्मानंद मुखी महाराज, समस्त सारे लोगों ने मिलकर ही ये प्रयोजन का आयोजन किया। ये तो हम बात कर रहे हैं इससे उत्तरांचल फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे साथ ही गढ़वाल मातृमंडल में चुनाव है, जो 88 साल पुरानी संस्था है। तो हमने जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लिया है, गढ़वाल मातृमंडल के जो अध्यक्ष हैं भगत सिंह जोशी, जनरल सेक्रेटरी है। तो काफ़ी लोगों का आप देख सकते हैं, पूरी 50 से ज़्यादा संस्थाएँ हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जो है सहयोग किया है, और गढ़वाल भातबंदर और UFO ने साथ मिलकर जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो तमाम लोगों की काफ़ी मेहनत रही और वो मेहनत आज रंग लाई है इस मंच पर। इस मंच पर पूरा उत्तराखंडी समाज आज नाच रहा है, अपनी संस्कृति को देख रहा है। तो मैं मुंबई से अमित गोसाई पहाड़ी, हमारे न्यूज़ के लिए